हाय दोस्तों हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर सिक्सटी सेवन है और इस लेक्चर में हम एस्टिमेशन ऑफ एरर इन टेम्परेचर मेजरमेंट इन ए थर्मामीटर वॉल इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्मामीटर वॉल हम क्यों डिजाइन करते हैं और फिर हमने थर्मामीटर वॉल डिज़ाइन की तो उसमें टेम्परेचर मेजरमेंट के दौरान एरर क्यों आती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए जैसे कि ये पाइपलाइन है तो पाइपलाइन में अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो आप किस तरह से करोगे तो यदि जैसे कि हमारे पास ये थर्मोमीटर है तो क्या आप इस थर्मोमीटर से डायरेक्ट ही इस पाइपलाइन का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है यदि आप किसी तरह से इस थर्मामीटर को इस पाइपलाइन के अंदर फिट भी कर देते हो ऐसे ही डायरेक्टली तो क्या होगा कि ये जो थर्मोमीटर है ये डैमेज हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि पाइपलाइन से हो सकता है कि जो फ्लूड है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो या उसका प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है तो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये आपका थर्मोमीटर डैमेज हो जाएगा तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ थर्मोमीटर वेल डिज़ाइन करते हैं तो थर्मोमीटर वेल डिजाइन हम किस तरह से करते हैं जैसे कि ये हमारे पास पाइप है और पाइप में हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक थर्मोमीटर वेल डिजाइन करेंगे और उसमें फिर हम थर्मोमीटर इस तरह से रख देंगे तो क्या होगा कि थर्मोमीटर इस फ्लूड से डैमेज होने से बच जाएगा तो आप इस वाले डायग्राम को देखिए इसमें क्या है ये तो पाइप है ठीक है और इस पाइप में यहाँ पर फ्लूड फ्लो होता है और ये थर्मोमीटर वेल है तो थर्मोमीटर वेल क्या करेगी कि इस थर्मोमीटर को इस फ्लूड से डैमेज होने से बचाएगी तो थर्मोमीटर वेल से ये तो हमें पता चला कि जो थर्मोमीटर है वो डैमेज होने से बच जाएगा लेकिन इसमें एरर क्यों आती है इसके बारे में हम जान लेते हैं तो जैसे कि ये हमारे पास थर्मामीटर वैल है तो क्या होगा कि ये जो फ्लूड है इस फ्लूड से हीट इस थर्मोमीटर वेल के अंदर जाएगी और थर्मोमीटर वेल के अंदर जाने पर क्या होगा कि ये जो थर्मोमीटर वेल है ये क्या करेगा कि उस हीट को कंडक्शन के द्वारा इस तरह से एनवायरमेंट में डिसिपेट कर देगा तो ये जो थर्मोमीटर है वो जो यहाँ का टेम्परेचर मेजर करेगा तो क्या होगा कि वो टेम्परेचर इस फ्लूड के टेम्परेचर से कम रहेगा क्योंकि जो हीट है वो यहाँ से इस तरह से एनवायरमेंट में डिसिपेट हो गई तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं देखो थर्मोमीटर वेल well, ये इसकी डेफिनेशन है देखो क्या है इट इज डिफाइंड एज ए स्मॉल ट्यूब वेल्डेड रेडियली इनटू ए पाइपलाइन थ्रू थ्रो विच ए फ्लूड टेंपरेचर इज टू बी मेजर्ड इज फ्लोइंग तो थर्मोमीटर वेल well क्या होती है एक स्मॉल ट्यूब होती है जिसको पाइपलाइन में रेडियली वेल्ड कर दिया जाता है और इसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और देखो जो एरर आती है उसे हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर इन टेम्परेचर मेजरमेंट इन ए थर्मोमीटर वेल देखो वैन द टेम्परेचर ऑफ फ्लूड फ्लोइंग थ्रो द पाइप लाइन इज हायर देन द एम्बियट टेम्परेचर तो जो आपका फ्लूड है जो इस पाइप लाइन से फ्लो हो रहा है यदि इसका जो टेम्परेचर है वो एम्बियन टेम्परेचर से ज़्यादा है एम्बियट तो का मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा है तो क्या होगा उस कंडीशन में हीट फ्लो फ्रॉम द ट्यूब वॉल अलोंग कंडीशन में क्या होगा कि जो हीट है वो आपकी इस तरह से यहां से ऊपर की तरफ फ्लो करेगी इस वेल well से कॉन्सिक्वेंटली द temperature एट द बॉटम ऑफ द well बिकम्स colder than द fluid फ्लोइंग अराउंड तो इससे क्या होगा कि जो ये वेल का बॉटम है यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और जो ये थर्मोमीटर है जो यहाँ पर टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा वो क्या होगा वो हमें इस फ्लोड के टेम्परेचर से कम मेजर करेगा ओबियसली द टेम्परेचर सोन बाय द थर्मोमीटर विल नॉट बी ट्रू टेम्परेचर ऑफ फ्लूड तो जो फ्लोड का टेम्परेचर होगा वो ट्रू टेम्परेचर नहीं होगा क्योंकि वो जो थर्मोमीटर है वो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम डिटेक्ट करेगा और देखो इस एरर को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं द एरर मे बी कैलकुलेटेड बाई अज्यूमिंग द वैल टू बी ए स्पाइन प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वाल ऑफ ए पाइप इन विच फ्लोड इज फ्लोइंग तो इस एरर को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम देखो स्पाइन का मतलब क्या है कि जो ये फिन की तरह से मान सकते हैं हम जो ये थर्मोमीटर वैल well है इसे हम फिन अज्यूम कर सकते हैं और जो आपकी पाइपलाइन की बॉल है ये इसे हम बेस अज्यूम कर सकते हैं फिन का तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये तो फिन हो जाएगा और ये क्या है बेस है तो यहाँ पर हम जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला होता है उसे अप्लाई करके यहाँ पर एरर फाइंड कर सकते हैं इट मे बी अज्यूम्ड फॉर सिम्पलिसिटी डैट देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द टिप ऑफ द वेल डेट इज़ टिप ऑफ वेल इज़ इंसुलेटेड तो यहाँ आसानी के लिए हम क्या मान सकते हैं कि जो ये थर्मोमीटर वेल है इसकी ये जो यहाँ पर टिप है ये इंसुलेटेड है इसका ये जो एंड है इंसुलेटेड है तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो इंसुलेटेड टिप वाला अप्लाई करेंगे इसमें देखो ये जो फ्लूड है इसका टेम्परेचर क्या है टी एफ, और ये थर्मोमीटर वैल है इसका जो इंटरनल डाया है वो क्या है डी ये इसका इंटरनल डायमीटर है और इसकी थिकनेस कितनी है डेल्टा तो इसका आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी प्लस टू डेल्टा और जो इस थर्मोमीटर वेल की लेंथ है वो कितनी है स्मॉल एल और देखो ये जो पाइप है पाइप की वॉल का टेम्परेचर जो है या पाइपलाइन की वॉल का टेम्परेचर जो है वो कितना है टी नोट टी नोट कहाँ पर टेम्परेचर है यहाँ पर और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है टी एल तो ये जो थर्मोमीटर है वो जो टेम्परेचर मेजर करेगा वो कितना रहेगा टी एल तो थर्मोमीटर में जो भी टेम्परेचर आएगा वो किसके बराबर रहेगा टी एल के लेकिन जो ट्रू टेम्परेचर होता है वो कितना होता है टी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो बेस पर x की वैल्यू कितनी है जीरो और यहाँ पर टिप पर x की वैल्यू कितनी है l तो देखो यहाँ पर क्या है l टू लेंथ ऑफ वैल d इंटरनल डायमीटर ऑफ वेल डेल्टा थिकनेस ऑफ वैल टी एफ टेम्परेचर ऑफ फ्लू फ्लोइंग थ्रू द पाइप एंड टी नोट क्या है टेम्परेचर ऑफ पाइप वॉल तो ये आपका तो पाइप लाइन है और ये क्या है थर्मोमीटर वेल well. ये थर्मोमीटर है तो चलिए इसमें जो एरर आती है उसे फाइंड करते हैं देखो ये हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला लिखा है द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी डिस्टेंस एक्स मेजर्ड फ्रॉम पाइप वॉल इज गिवन बाई तो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है वो हमने यहां पर लिखा है इसका हमने डेरिवेशन भी किया था तो ये क्या होता है देखो थीटा अपॉन थीटा नोट इजकल टू टी माइनस टी ए अपॉन टी नोट माइनस टी ए इजकल टू कोस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एम एल तो यहाँ पर जो टी होता है वो टेम्परेचर होता है इसकी किसी भी डिस्टेंस पर जैसे कि ये हमारे पास फिन की तरह है ये थर्मोमीटर वेल तो टी क्या होता है इसकी कहीं पर भी टेम्परेचर हम टी मान सकते हैं जहाँ पर भी हमें टेम्परेचर मेजर करना है और टी ए क्या होता है एम्बियट का टेम्परेचर तो जैसे कि ये यहाँ पर एमबियंट है इस कंडीशन में तो ए क्या होता है एम्बियंट का टेम्परेचर और टी नोट क्या होता है इस फिन के बेस का टेम्परेचर ये आपको पता होगा जो हमने डेरिवेशन किया था देखो इस थर्मोमीटर वेल well के टिप के लिए हम क्या पुट करेंगे X L. तो X L इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करते हैं तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी टी एल और टी ए टी ए क्या होता है एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है तो इस वाली कंडीशन में यहाँ पर यहाँ पर एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर कितना है टी एफ तो टी ए की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टी एफ और जो ये टी नोट है बेस टेम्परेचर तो यहाँ पर जो बेस टेम्परेचर है फिन का वो कितना है टी नोट तो ये चेंज नहीं होगा और टी ए एनवायरमेंट का टेम्परेचर ये कितना रहेगा टी एफ और यहाँ पर हम x की वैल्यू l पुट करेंगे तो l- माइनस एल जीरो तो कोस हाइपरबोलिक जीरो तो कोस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू होती है वन तो वन अपॉन कोस हाइपरबोलिक एम एल तो ये फॉर्मूला है जिसे यूज करके हम एरर फाइंड करेंगे और यहाँ पर टी एल क्या है टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो टी एल है ये थर्मोमीटर इसी को ही रिकॉर्ड करेगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि TL क्या है टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर और अब ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास ये थर्मोमीटर वैल है इसका पैरिमीटर और इसका सेक्शनल एरिया लिख लेते हैं इसका जो सेक्शनल है वो किस तरह है वो सर्कुलर है तो सर्कल के लिए हम क्या करेंगे इसका पैरीमीटर और इसका क्रॉस सेक्शनल लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं पैरीमीटर ऑफ वेल तो आपको पता होगा कि सर्कल का पैरीमीटर कितना होता है पाई डी पाई इंटू डायमीटर। तो आप इस वाले डायग्राम में देखिए कि इसका डायमीटर कितना है तो इसका जो टोटल डायमीटर है वो कितना है डी प्लस टू डेल्टा तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना आएगा है ये पाई और डी की जगह पर डी प्लस टू डेल्टा या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस डी को छोड़ सकते हैं क्योंकि डी की वैल्यू बहुत ही कम है तो पाई डी प्लस जीरो और तो पैरामीटर कितना मिलेगा पाई डी और क्रॉस सेक्शनल एरिया किस तरह से आएगा जैसे कि ये हमारे पास इस तरह से पाइपलाइन है तो हमें किसका एरिया लिखना है हमें इस शेडिड रीजन का एरिया लिखना है तो यहाँ पर लिखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वेल तो ए सी एस इजकल टू देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किस तरह से आएगा इसके पैरिमीटर में हम ये जो इनर पैरीमीटर है इसके पैरीमीटर में हम इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पैरीमीटर कितना है पाई डी और इसकी थिकनेस डेल्टा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा पाई डी डेल्टा तो चलिए हम एम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो हमें इस वाले फॉर्मूले में लिखनी पड़ेगी तो एम इजकल टू इसका क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच पी के ए सी एस तो इसमें हम क्या करते हैं कि पैरामीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं तो पैरामीटर की जगह पर पाई डी और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह पर पाई डी डेल्टा तो जो एम की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट एच अपॉन के डेल्टा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही इससे अगली वाली वीडियो में हम थर्मोमीटर वायल के लिए न्यूमेरिकल करेंगे